और भाइयों, आज की इस प्रोफेसी अपडेट में आपका स्वागत है। और आज की इस प्रोफेसी अपडेट में हम मूसा के द्वारा जो अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आज मूसा के द्वारा 3500 साल पहले की गई भविष्यवाणी कैसे आज इसराइल के अंदर पूरी हो रही है। और मूसा ने अपनी मृत्यु से पहले जब इसराइल के 12 गोत्रों को आशीर्वाद के वचन दिए थे तो मूसा ने जबलून और इससकार के विषय में भविष्यवाणियां अपनी मृत्यु से पहले मूसा ने प्रदान की थी। और मूसा ने व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय के अंदर वो भविष्यवाणियां जो थी वो प्रदान की थी। और व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में जब मूसा ने जबलून के विषय में भविष्यवाणी करी तो मूसा ने इस बात को कहा। व्यवस्था विवरण उसका 33 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में मूसा ने कहा था, फिर जबलून के विषय में उसने कहा, हे जबलून तू बाहर निकलते समय और हे इससकार तू अपने डेरों में आनंद करे। वे देश देश के लोगों को पहाड़ों पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। और मेरे प्रियो, आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि मूसा ने जिस बात की भविष्यवाणी यहाँ पर इसराइल के लिए करी थी और मूसा ने इस बात को कहा था कि इसराइली जो होंगे वो समुद्र के धन से लाभ उठाएंगे। और मूसा की ये भविष्यवाणी जो है वो आज आधुनिक समय में इसराइल के अंदर आकर के पूरी हो चुकी है और निरंतर ये अपने पूर्ण होने के प्रोसेस के अंदर पूरी होती चली जा रही है। क्योंकि जिस प्रकार से मूसा ने कहा था कि इसराइली जो है वो समुद्र के धन से लाभ उठाएंगे, ठीक इसी भविष्यवाणी के अनुसार इसराइल के अंदर इसराइल के जो समुद्री तट है जिसको भूमध्य सागर का समुद्री तट कहा जाता है, उसी समुद्री तट पर इसराइल के अंदर तेल और गैस के बेशुमार भंडार जो है वो मिले हैं। और इतने ज्यादा तेल और गैस के भंडार इसराइल में मिले हैं कि इसराइल ने उन तेल भंडारों का नाम लिव्याथन रखा है, क्योंकि इतने मैसिव भंडार जो है वो इसराइल में भूमध्य सागर के समुद्री किनारे के ऊपर मिले हैं। और इसराइल जो है वो पहले दूसरे देशों से तेल और गैस को इंपोर्ट करता था, इसराइल को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज इसराइल जो है वो खुद ही तेल और गैस के का प्रोडक्शन जो है इस भूमध्य सागर में से कर रहा है। और जिस प्रकार से मूसा ने कहा था कि इजरायली जो है वो समुद्र के धन से लाभ उठाएंगे, उसी प्रकार से आज इसराइल में इतने बड़े, इतने व्यापक और इतने मैसिव तेल और गैस के भंडार उस समुद्री क्षेत्र में मिले हैं जो कि इसराइल की सीमा के अंदर आता है। तो मूसा की ये भविष्यवाणी जो है, जो भविष्यवाणी का एक भाग जो मूसा ने जबलून के विषय में यानी इसराइल के विषय में कहा था, वो एक भाग जो है वो आज हमारे समय में आकर के पूरा हो चुका है। लेकिन अपनी भविष्यवाणी के दूसरे भाग में मूसा ने जबलून के विषय में यह भविष्यवाणी भी करी थी कि जबलून जो होगा वो इसराइल के पहाड़ों के ऊपर यज्ञ करेगा। और मूसा ने साथ ही इस बात की भी भविष्यवाणी करी थी कि इसराइली लोग जो होंगे वो बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। और आपको ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि जिस क्षेत्र के अंदर जबलून का गोत्र प्राचीन इसराइल के अंदर रहा करता था वहां पर कार्मेल पर्वत और उसकी घाटियां पाई जाती हैं। और जिस प्रकार से मूसा ने कहा था कि जबलून जो है वो पहाड़ों के ऊपर यज्ञ करेगा और इसराइली जो होंगे वो बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे, और जिस जगह के ऊपर प्राचीन इसराइल के अंदर जबलून का गोत्र रहा करता था, आज उस जगह पर आधुनिक इसराइल में हाइफा नाम का एक जिला इसराइल में पाया जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जैसे मूसा ने स्पेसिफिक लोकेशन अपनी भविष्यवाणी के अंदर बताई थी, ठीक उसी जगह जहां पे जबलून का गोत्र रहा करता था, जहां पे कार्मेल पहाड़ पाए जाते हैं, जहां पे वादियां पाई जाती हैं, वहीं पर ही खुदाई करके आज इसराइल के अंदर हीरे और अन्य रत्न जो है, रूबी, सेफायर, अलग अलग प्रकार के जो अनमोल रत्न होते हैं, जैसा कि मूसा ने कहा था कि अनमोल पदार्थ जो है वो इसराइलियों को उन पहाड़ों के अंदर मिलेंगे, उन वादियों के अंदर मिलेंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा आज इसराइल के अंदर हो रहा है। उन पहाड़ों की खुदाई करके वहां से अनमोल रत्न जो है, हीरे जो है वो वहां से निकाले जा रहे हैं। और मेरे प्रियो, जो इसराइली कंपनी इन कार्मेल पर्वत की और घाटियों की जो खुदाई करके वहां से माइनिंग करके वहां से ये हीरे और अन्य रत्न निकाल रही है, उस इजरायली कंपनी का नाम है शेफा यमीम कंपनी लिमिटेड।
और ये शेफा यमीन कंपनी लिमिटेड जो है वो 1999 के अंदर इसराइल में स्थापित की गई थी, लेकिन 1999 से पहले 1989 में जो इस कंपनी के सीईओ थे जिनका नाम था आवी टॉप, वो बहुत ही घाटे के दौर से गुजर रहे थे और उनकी कंपनी जो कि एक माइनिंग इंडस्ट्री के वो मालिक थे वो एक बहुत ही बड़े घाटे से होकर के गुजर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में उस समय आवी टॉप की कंपनी जो थी वो माइनिंग कर रही थी लेकिन एक बहुत बड़े घाटे से होकर के वो जा रहे थे, और इस बीच में वो इसराइल के जो सबसे महानतम रब्बियों में से एक माने जाते हैं जिनको रब्बी मनाहेम मेंडल स्नीयरसन के नाम से जाना जाता है, जिनकी 1994 में मृत्यु हो गई। और 1989 में जब ये शेफा यमीन कंपनी लिमिटेड के सीईओ अवी टॉप जो हैं, जब वो रब्बी मनाहेम मेंडल स्नीयरसन से मिले और उन्होंने अपनी समस्या रब्बी को बताई, तो रब्बी मनाहेम मेंडल स्नीयरसन जो कि बाइबल की भविष्यवाणियों के एक बहुत बड़े ज्ञाता और विज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने एक बात, एक सलाह जो थी वो आवी टॉप को दी थी कि वो कहां पर जाकर के खुदाई करें जहां पर उनको रतन और दूसरे अनमोल पदार्थ मिल पाएंगे। आप पहले उस क्लिपिंग को देखें, उस वीडियो क्लिपिंग को देखें जिसमें खुद रब्बी मनाहेम मेंडल स्नीयरसन ने कैसे मूसा की भविष्यवाणी को लेकर के आवी टॉप को सलाह दी। तो मेरे प्रियो, आप लोगों ने इस वीडियो क्लिपिंग के अंदर देखा कि कैसे रब्बी मनाहेम मेंडल स्नीयरसन ने अपनी मृत्यु के 6 साल पहले 1989 में आवी टॉप को ये सलाह दी थी कि वो हाइफा के अंदर जो पहाड़ियां हैं वहां पे जो वादियां हैं उनके अंदर जा करके आवी टॉप खुदाई करें, क्योंकि मूसा ने इस बात की भविष्यवाणी पहले से ही 3500 साल पहले से ही कर रखी है कि उन घाटियों में, उन पहाड़ों के अंदर बहुत सारे अनमोल पदार्थ, रतन, हीरे, जवाहरात जो है वो वहां पे दबे हुए हैं। और आवी टॉप ने इस सलाह को माना और 1999 के अंदर जब वहां पर जाकर के उन्होंने कंपनी को स्थापित किया और उसके बाद जब उन्होंने वहां पे खुदाई करनी शुरू करी, तो आज आवी टॉप की कंपनी जो कि घाटे के अंदर चल रही थी, बहुत नुकसान उनको हो रहा था, आज वो कंपनी जो है वो बहुत मुनाफे के अंदर चली गई है। इतने मुनाफे में चली गई है कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी अब शेफा यमीन कंपनी ने अपने शेयर्स जो है वो वहां पर लगाए हैं। तो इस प्रकार से आज इसराइल के अंदर मूसा के द्वारा 3500 साल पुरानी की गई भविष्यवाणी जो है वो आज पूरी होती चली जा रही है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे बाइबल की भविष्यवाणियां जो कि अंत के दिनों के विषय में दी गई थी, वो भविष्यवाणियां कैसे आज हमारे समय में आकर के पूरी हो रही हैं। और मूसा जो कि भविष्यवक्ताओं की जमात में जिसको सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है, मूसा के द्वारा की गई ये भविष्यवाणी जब आज हमारे समय में पूरी हो रही है, तो ये हमारे लिए एक संकेत है कि हम वास्तव में अब अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि हम भी इन भविष्यवाणियों को लेकर के जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर इन सब बातों को पूरा करके किसी बात का की हिंट जो है वो हमको प्रदान कर रहा है। तो आज की प्रोफेसी अपडेट में इतना ही। वचन पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत ज्यादा निकट आ पहुंचा है।